केजरीवाल सरकार ने वादे किए हैं तो उन्हें निभाए भी हैं। इसी को लेकर आज हम दिल्ली कैंट के उपाध्यक्ष सोनू प्रजापति से कुछ बात करेंगे, तो आइए जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली दस्तक पर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि आप यहाँ के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पर आपने मुद्दे उठाए? देखो, मैं पार्टी से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा है। और अब जो मेरे क्षेत्र में, दिल्ली कैंट के क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया है कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, बच्चों के लिए वाईफाई लगाए हुए हैं। जैसे कि आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उससे अपना वाईफाई से बच्चे आराम से नेट यूज करके अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं। और अभी जैसे कि आपने पीछे देखा है कि कुछ कच्ची गलियां थी, वहाँ मुख्यमंत्री योजना के तहत गली गली पक्का करने का यहाँ सारा काम किया गया है। और मुख्यमंत्री योजना के तहत ही अंधेरा ना रहे दिल्ली में, ऐसे भी कल ही का मैं बता रहा हूँ, मंडे का, कि 14 लाइटें नई लगाई है और 28 लाइटें रिपेयर कराई है। तो कल ही मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला था कि मेरे जो क्षेत्र में अंधेरा नहीं है, अंधेरा दिल्ली कैंट छोड़ के कहीं और जाए, तो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि दिल्ली कैंट में अब अंधेरा प्रॉपर तरीके से चला जाएगा और जा चुका है। और पहले गांव की समस्या ऐसी थी कि यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता था हॉस्पिटल के लिए। अभी जैसे ही केजरीवाल सरकार आई है, तो उन्होंने हमारे गांव में ही मोला क्लिनिक खोला हुआ है। और अभी हमारे जो सर्वोदय शिक्षा विद्यालय, अपना जो स्कूल है मैरम नगर में, उसमें भी अभी केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार का स्कूल है, उसमें अच्छा काम करा रही है। उसमें स्विमिंग पूल की तैयारी चल रही है, और पहला करीब 90 क्लासें थी, अब वो बढ़कर 148 क्लासें हो जाएंगी। तो ये भी आम आदमी पार्टी की देन है। जैसे भी है कि दिल्ली कैंट में आज हमारे विधायक वीरेंद्र कादियान जी हैं, इनके प्रयास से अभी दिन पे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बढ़ता ही जा रहा है। हमारे क्षेत्र में अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई। पहले थोड़ी पानी की समस्या थी, वो भी अभी दूर कर दी है। मीठा पानी हमारे क्षेत्र दिल्ली कैंट में हो सकता है नवंबर तक आ जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब से आम आदमी पार्टी आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है और लोग इससे खुश भी है। अभी कोरोना के काल में भी करीब 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 50 लाख रुपए का सामान दिल्ली सरकार ने अपने कैंट एरिया में बांटा गरीब लोगों की। जनता जो बेचारे पूर्वांचली लोग थे, जो बेचारे किराए भी नहीं दे पा रहे थे, उनको MLA वीरेंद्र कादियान की तरफ से हमने अपने हाथों से उनको बहुत हर तरह से, जैसे अनाज किट जो दिल्ली सरकार की तरफ से आई थी, मैंने उनको पूरी किट देके उनका सहयोग दिया है। और महिलाओं के लिए भी अभी CCTV कैमरे लगे, और अभी मार्शल के लिए हमारे गांव के ही बच्चे एक्टिव होके अभी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। 17 बच्चे गए हैं, हो सकता है ये भी अभी मार्शल लग के और दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा में लग जाए। अभी केजरीवाल सरकार की और आगे क्या क्या योजनाएं हैं, वो किस मुद्दे पर काम करेगी? देखो, अभी तो फोकस केजरीवाल सरकार, कोरोना जो महामारी चल रही है पूरे देश में, अभी इस पर चला हुआ है। अभी हमारे CM साहब का बर्थडे था, तो उन्होंने बर्थडे ना बना के उन्होंने कहा कि जो भी मुझे बर्थडे गिफ्ट करना चाहता है, ऑक्सीमीटर मुझे गिफ्ट करे। तो अभी हमारे पूरे दिल्ली में करीब 1 लाख ऑक्सीमीटर हमने उनको, मतलब पूरे दिल्ली वासियों ने उनको गिफ्ट तौर पे दिया था। तो गिफ्ट तौर पे देने के बाद अभी वो ऑक्सीमीटर आउट ऑफ दिल्ली भी काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो कोरोना पे काम चल रहा था, और अभी अदर स्टेट अभी कोरोना पे ही उलझी हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली की जनता को एक नया मौका देके रोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं। रोज़ आप देख रहे होंगे कि मेट्रो को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिनेमा हॉल भी खोल दिए हैं। जहाँ तक देखा जाए कि दिल्ली में आज अधिकतर लोग अपने कमाई के लिए निकल चुके हैं, और बाकी स्टेट में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे बारे में या दिल्ली की जनता के बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। BJP सरकार इस पर लगातार वार कर रही है कि केजरीवाल सरकार ने डेंगू के खिलाफ जो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का अभियान शुरू किया था, BJP सरकार कहती है कि वो इस कार्य को कर रही थी, लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ अपना समर्थन मतलब कर रहे हैं। देखो, BJP सरकार तो कहते हैं ना, बोलने की है। जब हम CCTV कैमरे लगा रहे थे, तभी भी ये शोर मचा रहे थे, कैमरे क्यों लगा रहे हो, कैमरे क्यों लगा रहे हो। आज उसी कैमरे के जरिए
आज आप दिल्ली में क्राइम देख लो, आप दिल्ली का क्राइम बहुत कम हो चुका है। किसी टाइम ये कैमरे में बोल रहे थे, कैमरे लगा रहे हैं, पैसा खराब करा रहे हैं, ये कर रहे। मैं क्या जानना चाहता हूँ जनता से, आप पूछिए कि कैमरों से कितना क्राइम कम हुआ है। आज भी परसों के या कल के पेपर में आई हुई थी कि दिल्ली अपने जो केजरीवाल सरकार की वजह से जो कैमरे लगे हैं उनसे क्राइम कम हुआ है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि कुछ महीने पहले मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी करके कुछ लोग भाग गए थे, तो उसमें भी केजरीवाल के ही कैमरे काम आए थे दिल्ली सरकार के। बीजेपी सरकार लगातार कहती है कि केजरीवाल सरकार उनको फंड नहीं देती काम करने के लिए दिल्ली के अंदर, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो फंड अगर इनकम टैक्स अगर दे रही है तो दिल्ली दे रही है। केंद्र को अगर फंड जा रहा है तो केंद्र हर स्टेट को 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ दे रही है। तो मैं बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आपने दिल्ली सरकार को कितना फंड दिया है, जबकि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दिल्ली देती है केंद्र सरकार को। अभी हमने उपाध्यक्ष सोनू प्रजापति से बात की है और उन्होंने बताया कि वो पहले भी जनता के हित में आवाज़ उठाते रहे थे और आगे भी उठाते रहेंगे, और वो दिल्ली के एंड के महरम नगर को एक विकसित नगर बनाएंगे। इसी के साथ मैं प्रियंका, कैमरामैन संजीव के साथ, दिल्ली दस्तक न्यूज़, दिल्ली।